हेलो बच्चों, वेलकम टू आर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा आज का लेक्चर क्या है? हमारा आज का लेक्चर है अध्याय 9, प्रकाश का ध्रुवण एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो कक्षा 12 के लिए हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 हमारा चल रहा है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता क्या, ध्रुवण होता क्या है? तो ध्रुवण को समझने के लिए हमें कुछ थोड़ी सी बातें और समझनी बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हमारे साथ दैनिक जीवन में घटित होती हैं। जैसे कि यदि किसी समतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश में रखकर घुमाया जाए, समतल दर्पण आप सभी लोग को वाकिफ होंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। आपके घर में जो आप शीशा आपका यूज़ करते हो, जिसे शीशा बोलते हो, मिरर बोलते हो, वो क्या होता है, एक्चुअली समतल दर्पण ही होता है। उस समतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश में रखकर यदि आप घुमाओ, तो किसी विशेष अवस्था में उससे जो परावर्तित प्रकाश होता है वो आंखों में बहुत चोंद उत्पन्न करता है। जैसे कि आप नॉर्मली आप एक शीशा लेते हो आप, और सूर्य का प्रकाश स्पेशली जब दोपहर का समय होता है या सूर्य का प्रकाश जिस टाइम होता है, उस समय पे यदि कोई सामने व्यक्ति खड़ा हो और आप उसके सामने उस सूर्य के प्रकाश को परावर्तित इस प्रकार से करें कि वो उसकी आँख में जाकर पड़े, तो वो उसकी आंख में चोंद उत्पन्न करता होगा। ऐसा आपने बहुत बार ऐसा फील किया होगा, ऐसा महसूस किया होगा। तो ये चोंद जो निकलती है ये परावर्तित प्रकाश के कारण निकलती है, शीशे से परावर्तित होता प्रकाश। इसी प्रकार जब जैसे कि किसी बिल्डिंग, जैसे कि कोई इमारत है उसमें शीशे लगे होते हैं, तो वो शीशे भी विशेष कोण पर आँख में चोंद उत्पन्न करते हैं, यानी कि शीशों से जो परावर्तित प्रकाश होता है वो भी इसी प्रकार का व्यवहार करता है। और इसके अलावा रात को जब हम वाहन चलाते हैं, तो वाहन चलाते समय सामने से जो वाहन आ रहा होता है, यानी कि कार, ट्रक, बस वगैरह की जो हेडलाइट होती है, उससे भी हमारी आंखों में चोंद उत्पन्न होती है। ये ऐसा आखिर होता क्यों है, क्या कारण है इसका, क्यों होता है ये? इन सारी परिघटनाओं का कारण, जो कि मैंने आपको 1, 2, 3 एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताई, जिसमें आंखों में चोंद उत्पन्न हो रही है और वाहन से जो वाहन की जो हेडलाइट है उससे भी जो प्रकाश हमारी आंखों में पड़ रहा है वो हमारी आंखों को धूमिल कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यानी कि प्रकाश का ध्रुवण हो रहा है, वो ध्रुवण जो है हमारी आंखों में चोंद उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल आता है जो कि है क्रिकेट खिलाड़ियों का। आपने देखा होगा कि क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी यानी कि क्रिकेटर जिसे हम बोलते हैं, क्रिकेटर क्या करते हैं कि जब मैदान में खेल रहे होते हैं, तो मैदान में स्पेशली फील्डिंग करते समय वो विशेष प्रकार के चश्मों का उपयोग करते हैं, जिसे आप सूर्य के प्रकाश में यदि आप देखने का प्रयत्न करो तो वो आपको रंगीन दिखाई देंगे। ज़्यादातर जो खेल होता है वो दिन के सूर्य के प्रकाश में ही होता है, तो सूर्य के प्रकाश में जो खेल खेला जाता है, तो जो क्रिकेटर्स होते हैं खेलते समय जो घास वगैरह से या फिर अन्य जगहों से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन लगातार होता रहता है, तो लगातार जो प्रकाश का परावर्तन होता है तो क्रिकेटर की आँखों में प्रकाश पड़ने से चोंद उत्पन्न होती है। तो जिससे बचने के लिए क्रिकेटर जो है विशेष प्रकार के चश्मों का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम रंगीन जो है चश्मे कहते हैं, यानी कि वो प्रकाश में सूर्य के वो रंगीन हमें दिखाई देते हैं। तो वो किस लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए कर रहे हैं, ताकि हमसे कोई मिसफील्डिंग ना हो जाए, हमसे कोई बॉल ना छूट जाए, ठीक है। तो इस वजह से क्रिकेटर वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इस अध्याय के अंदर जो कि चैप्टर जो है 9 है, प्रकाश के ध्रुवण के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का संसूचन कैसे होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है उसका संसूचन किस प्रकार से किया जाएगा, और सूर्य से के जो प्रभाव से हमारी आंखें धूमिल हो जाती हैं, चोंद पड़ती है हमारी आंखों में, उसके प्रभावों से हम कैसे बच सकते हैं, तो उसका सारा अध्ययन जो है हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की, किसकी बात करते हैं, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति क्या होती है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति यानी कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स, ये क्या होता है। पहले तो आप ये समझ लो कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सबको पता है, क्योंकि ये मैक्सवेल ने भी अपने लॉज में दिया
जो है कि प्रकाश जो है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। और वो क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, वो जो होती हैं तरंगे, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। परंतु मैक्सवेल ने बहुत बाद में जाके विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति का सिद्धांत बताया, परंतु उससे पहले भी ये परिघटनाएं लगातार सामने हमारे आ रही थी, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और आपका विवर्तन, इस तरह की परिघटनाएं लगातार प्रयोग में थी। तो इनके लिए भी कहीं ना कहीं ये देखा गया कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, तो उनको जो है समझने के लिए या उनको परिघटनाओं को समझने के लिए जो है विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर विभिन्न थ्योरीज दी गई, विभिन्न जो है उनके बारे में कहा गया, विभिन्न प्रकार से उनके बारे में कहा गया। तो वो कहा क्या गया ये समझना बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो थे हाइगेंस जो थे, तो हाइगेंस ने जब अपना तरंगी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो हाइगेंस ने क्या किया था, तरंगी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो तरंगी का सिद्धांत प्रस्तुत करते समय उन्होंने प्रकाश को अनुदैर्ध्य मान लिया। क्या मान लिया, अनुदैर्ध्य तरंग मान लिया। जैसे कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, वो अनुदैर्ध्य होती हैं, तो प्रकाश को उन्होंने अनुदैर्ध्य समझ लिया। तो अनुदैर्ध्य समझने के क्रम में उन्होंने अनुदैर्ध्य समझ जब उन्होंने लिया, तो उन्होंने क्या करा कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन की व्याख्या कर दी। क्या कर दी, इन चार परिघटनाओं की हाइगेंस ने व्याख्या कर दी। परंतु चारों जो घटनाएं थी, परंतु जो उपरोक्त घटनाएं थी, इनमें से कोई भी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य प्रकृति के विषय में ना तो कोई प्रमाण प्रस्तुत करती हैं, ना ही कोई प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। यानी कि ये चारों घटनाएं में कहीं भी ऐसा डिस्कस नहीं हुआ कि ये परिघटनाओं में जो प्रयुक्त प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य है या फिर अनुप्रस्थ है। ऐसा कुछ ये परिघटनाएं ना तो बताती हैं, ना ही कोई प्रमाण मांगती है, ना कोई प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि नहीं प्रकाश तो अनुप्रस्थ है, नहीं प्रकाश तो अनुदैर्ध्य है। ऐसा कुछ इन परिघटनाओं से पता नहीं चलता। इसलिए हाइगेंस भी अभी तक अनभिज्ञ थे इस बात से कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं। वो इसे अनुदैर्ध्य ही मानते रहे और अपनी चारों परिघटनाओं की उन्होंने व्याख्या भी कर दी। तो ऐसा कब हुआ, जब हमें पता चला कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं, तो इसके बाद में लंबे समय तक प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग ही समझा गया। यानी कि जब इन परिघटनाओं से भी पता नहीं चल पाया कि प्रकाश तरंगे हैं क्या आखिरकार, कि वो क्या अनुप्रस्थ तरंगे हैं या अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, वो तो अनुदैर्ध्य तरंगों को ही मानकर इनकी व्याख्या कर चुके थे। परंतु इन परिघटनाओं में चूंकि पता ही नहीं चल पाया कि ये अनुप्रस्थ प्रकृति की वजह से ये घटनाएं होती हैं या फिर अनुदैर्ध्य प्रकृति की वजह से प्रकाश के ये परिघटनाएं होती हैं, ऐसा कुछ इनमें कुछ आया ही नहीं। तो प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही लंबे समय तक मान्यता मिली रही। अब एक ऐसा वक्त आता है जब हाइगेंस एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन करने की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि वो एक नए सिद्धांत पर काम कर रहे होते हैं। वो सिद्धांत क्या था, वो सिद्धांत था प्रकाश का ध्रुवण। वे प्रकाश के ध्रुवण पर काम कर रहे होते हैं, यानी कि चोंद जो लगने की मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से चोंद लगती है, उस चीज के क्रम में वे भी चल रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को भांप लिया था कि प्रकाश में चोंद लगने का मामला आखिरकार है क्या। तो वो जब उसकी व्याख्या करने के क्रम में चल रहे थे तब उन्होंने देखा, तो इसमें हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। बाद में हाइगेंस ने स्वयं प्रकाश संबंधी अन्य परिघटना की खोज की, जिसे प्रकाश का हम ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण की उन्होंने खोज की और उन्होंने ये देखा कि प्रकाश की अनुदैर्ध्य प्रकृति, प्रकाश की जो अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है वो प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाती। प्रकाश के ध्रुवण को वो समझाने में असमर्थ थी, यानी कि अनुदैर्ध्य प्रकृति जो थी प्रकाश की, जो वो प्रकाश को मान रहे थे अनुदैर्ध्य, तो वो प्रकृति प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकती, नहीं कर पाती। और इसलिए हाइगेंस ने प्रकाश के अनुदैर्ध्य तरंग वाली परिघटना को त्याग दिया, उन्होंने इसे त्याग दिया, छोड़ दिया इसे।
वो जो जिद थी कि हाँ अनुधेरे प्रकृति है, और उसके अनुसार वो जो व्याख्या भी कर चुके थे उन्होंने इस परिघटना के आधार पर, जो परिघटना वो प्रकाश के ध्रुवण की कर रहे थे उसके आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, अनुधेरे तरंग प्रकृति से ये साबित ही नहीं हो सकता कि प्रकाश ध्रुवित होता है। तो इस वजह से उन्होंने इस जो उनकी थ्योरी थी कि प्रकाश तरंग अनुधैर्य हैं, उन्होंने उसको त्याग दिया। उसके बाद लगभग 140 वर्षों बाद फ्रांसीसी वैज्ञानिक, यानी फ्रांस के वैज्ञानिक थे एक जिनका नाम था फ्रेनल। फ्रेनल को इंग्लिश में FRENEL बोलते हैं, इसमें एस साइलेंट होता है। फ्रेनल ने सिद्ध किया कि प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। उन्होंने सिद्ध किया इसे कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। तो सिद्ध जब किया उन्होंने, तो कैसे सिद्ध किया वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसे एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया। जैसे कि हम एक प्रयोग ले लेते हैं, तो प्रयोग में क्या गया, अनुप्रस्थ प्रकृति का सत्यापन हम लोग यहाँ करेंगे, जो कि फ्रेनल के अकॉर्डिंग है। फ्रेनल ने जो प्रयोग किया वो आखिर का प्रयोग था क्या, तो उस प्रयोग के अंदर हम देखते हैं। तो प्रयोग था अनुप्रस्थ प्रकृति का सत्यापन करना, यानी कि अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकाश की उसने सत्यापन किया कि कैसे प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। तो किस प्रकार से सत्यापित किया वो देखते हैं। तो इसमें उसने क्या किया कि दो आयताकार गत्ते के टुकड़े लिए, गत्ते के टुकड़ों में जो कि लगभग समान आकृति के थे, उसमें उसने दो रेखा छिद्र काट लिए, जो कि S1 S2 आपको दो रेखा छिद्र दिख रहे होंगे। तो जब उसने दो रेखा छिद्र समान आकार के, समान और पैरेलल, ये S1 और S2 क्या है यहाँ पर, ये पैरेलल है। पैरेलल के लिए तो साइन लगाते हैं हम, S1 पैरेलल टू जो है S1 पैरेलल टू S2। तो S1 जो था S2 के पैरेलल हैं, और ये इसमें करने के बाद में, ये छिद्र रेखा छिद्र बनाने के बाद में इसमें को एक पतला धागा डाला गया, एक पतली रस्सी कह सकते हो, पतला धागा कह सकते हो, या पतला पतली को डोरी कह सकते हो। तो एक पतली डोरी को इसके अंदर से, इन रेखा छिद्रों के अंदर से गुजारा गया, और उसके एक सिरे को, एक स्थिर एक सिरे को, यानी कि जो ये वाला सिरा है, इस सिरे को एक स्थिर रूप से बी पॉइंट पर बांध दिया गया। यानी कि एक सिरे पर ये बंधा हुआ है, जो कि बी क्या है, स्थिर बिंदु है कोई, ठीक है, कोई कील हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर इसको बांध दिया गया। अब जो दूसरा सिरा, क्योंकि ये स्वतंत्र था, स्थिर नहीं था, तो ये फ्री एंड जो था इसका, मुक्त सिरा जो था, इसको लेकर के, इसको लेकर के फ्रेनल ने इसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे इस प्रकार से इसको हिलाया। यानी कि ऊपर नीचे कैसे हिलाओगे आप, इस रेखा छिद्र के समांतर दिशा में, जो रेखा छिद्र ये इस तरह से खड़े हैं दोनों, तो इसी दिशा में ऊपर की ओर इसने इसको इस तरह से हिलाया। तो हिलाने से क्या हुआ, एक अनुप्रस्थ तरंग इसमें पैदा होगी। तो अनुप्रस्थ तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग कुछ इस प्रकार की होती है। तो वो अनुप्रस्थ तरंग इसके अंदर पैदा हो गई, इस रस्सी में, यानी कि डोरी के अंदर अनुप्रस्थ तरंग पैदा हो गई। तो जब फ्रेनल देखा कि दोनों ही गत्तों से ये जो इस पहले वाले गत्ते के रेखा छिद्र के अंदर से जो तरंग गुजर कर जा रही है, वही तरंग इस दूसरे रेखा छिद्र से भी पार होकर बाहर निकल रही है। यानी कि जो जिस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से इसमें क्या होते हैं, ये आपके श्रृंग होते हैं, और ये नीचे के क्या होते हैं, ये गर्त होते हैं, ये गर्त होते हैं। तो इसमें भी श्रृंग है, आपका देख सकते हो, ये श्रृंग है, ये श्रृंग है, ये श्रृंग है, ये श्रृंग है, और इसी प्रकार से इसमें गर्त भी बन रहे हैं। जो गर्त है, ये गर्त है, ये नीचे गर्त, ये फिर गर्त। तो इस प्रकार से जो गर्त बन रहे हैं, श्रृंग और गर्त जो बन रहे हैं, वो जो इसमें से निकल रही है तरंग पहले गत्ते में से, वही दूसरे गत्ते में जा रही है, दूसरे गत्ते से भी श्रृंग और गर्त निकल रहे हैं। यानी कि अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है दोनों से निकलने के बाद। परंतु फिर उसने क्या किया, इसके बाद उसने क्या किया कि जो दूसरा गत्ता था, उस दूसरे गत्ते को उसने इसके जो है, इसको स्थिर रखते हुए उसको घुमाने का प्रयास इसमें किया गया। यानी कि S2 को घुमाया जा रहा है S1 के सापेक्ष। अब ये मान लीजिए कि ये मान लीजिए S1 है, और ये इस प्रकार से S2 है, ये
तो ये क्या हो गया S1, ये इस प्रकार से S1 था और ये क्या था S2 था। जब S2 को घुमाया गया तो घुमा करके किस दिशा में आया गया, इस प्रकार से इस इधर की तरफ घुमाया गया, ऐसे घुमाया गया इधर की तरफ। तो जब ये घुमाया गया धीरे 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 धीरे, तो अभी इनके बीच में कोई कोण नहीं है। तो जब धीरे धीरे अभी क्या है इनके बीच में कोई कोण नहीं है, यानी कि कोण क्या है जीरो है। तो जब ये घुमाया जाएगा तो जो इसकी दिशा है इसकी दिशा के साथ ये कोण बनाना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये कोण बनाना स्टार्ट कर देगा, जैसे ये इस तरह से है, तो ये अब मान लीजिए किसी स्थिति में ये यहाँ पहुँच गया, फिर ये यहाँ पहुँच गया, तो इस प्रकार से कोण बनना चालू हो जाएगा। तो जैसे ही कोण बढ़ता चला जाएगा, तो जैसे ही कोण बढ़ता चला जाता है और तरंग को हम जो है डोरी को पकड़ के इस प्रकार से हिलाते रहते हैं, तो जो कंपन इसके अंदर से गुजरते हैं पहले रेखा चित्र से, वो कंपन यहाँ तक तो पहुँचते हैं, परंतु जैसे ये थोड़ा सा कोण बढ़ जाता है, अभी ये स्थिति नहीं आई है, अभी स्थिति आएगी जब हम आपको बताएंगे कि स्थिति आ चुकी है। तो अभी स्थिति क्या है, अभी स्थिति ये मान के चलो कि S2 क्या है, अब यहाँ आ चुका है, रेखा चित्र जो है इससे टेढ़ा हो चुका है, तो कंपन जो होते हैं उनका आयाम घटना स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप ये मान लो फिलहाल ये कंपन क्या है, वो समान आकार के, परंतु जब इसमें से कंपन निकलने चालू हो गए, जब ये टेढ़ा हो गया कोण पर, किसी कोण पर है ये, तो कंपन क्या हो गए छोटे हो गए, यानी कि कंपन क्या हो गए ये छोटे हो गए। तो ये कंपन इस प्रकार से छोटे हो जाते हैं, और जब इसे और घुमाया जाता है और थोड़ा सा घुमाया जाता है, जब ये लगभग लंबवत हो जाता है, अब ये आप देख रहे हो कि ये रेखा चित्र तो ऐसे है और ये रेखा चित्र ऐसे है, तो ये क्या हो गया लंबवत हो गए। तो जब लंबवत हो जाते हैं तो यहां से जितने भी श्रृंग और गर्त गुजरते हैं वो इसमें से पार होने के बाद बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, यानी कि उधर जो पहुंचती है वहां कोई कंपन पहुंचते ही नहीं, जो पार होने के बाद कोई कंपन यहां नहीं पहुंचते हैं, आयाम क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, जो कंपनों का आयाम होता है वो शून्य हो जाता है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग दूसरे वाले रेखा छिद्र से नहीं गुजर पाती जब इन दोनों के बीच में क्या होता है आयाम शून्य होता है। तो यहां पर जो थी हमारी ये प्रूव हो जाता है कि अनुप्रस्थ तरंगे केवल जो समांतर रेखा छिद्र है उन्हीं में से पार हो पाते हैं, परंतु यदि रेखा छिद्र आपस में क्या होते हैं समांतर नहीं होते, लंबवत हो जाते हैं एक दूसरे के, तो रेखा छिद्र में से कंपन पार नहीं हो पाते, और इस प्रकार से ये अनुप्रस्थ कंपनों को क्या करता है रोक लेता है, यानी कि यहाँ से कंपन जो जाते थे वो क्या थे रुक गए वहाँ पर। तो अनुप्रस्थ जो कंपन थे, ये अनुप्रस्थ कंपन थे, इस प्रकार से ये जाकर वहाँ पर ये रोक लेता है। इसी प्रकार से इसमें फिर स्प्रिंग को लिया गया, किसको लिया गया स्प्रिंग को लिया गया। तो मैं ये स्प्रिंग बना देता हूँ इसके अंदर, तो स्प्रिंग मैं किस प्रकार से लूँगा, तो इस प्रकार से हम इसके अंदर स्प्रिंग बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमने ये यहाँ पर ये स्प्रिंग हमारी बन जाती है इस प्रकार से, और ये यहाँ पर भी जाएगी स्प्रिंग, स्प्रिंग अंदर से गुजारेंगे हम इसके, तो इस प्रकार से स्प्रिंग बनती है, और इस प्रकार से इस प्रकार से जब हम इसके अंदर स्प्रिंग लेकर आते हैं, यानी कि डोरी को हटा के हमने क्या करा रेखा छिद्रों में से स्प्रिंग गुजारते हैं, तो स्प्रिंग को तो हम इस तरह से ऊपर नीचे नहीं कर सकते, यानी कि स्प्रिंग में ये वाली अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती हैं। स्प्रिंग में कौन सी तरंगे होती हैं, स्प्रिंग में होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, क्योंकि स्प्रिंग को आप जैसे कोई स्प्रिंग है तो आप इस प्रकार से उसे खींच सकते हो और छोड़ सकते हो, खींच सकते हो और छोड़ सकते हो, और इसका एक सिरा हमने यहाँ पर बी पर इसको स्थिर कर दिया, तो दूसरे सिरे को हम क्या करेंगे ऐसे खींचेंगे और छोड़ेंगे, ऐसे खींचेंगे छोड़ेंगे। तो जब हम खींचते छोड़ते हैं तो इसमें जो तरंगे हैं वो ऐसे पैदा ना हो करके ऐसे और ऐसे पैदा होती हैं, कैसे पैदा होती हैं ऐसे और ऐसे, तो इसमें कहीं पर तो विड़लन बन जाते हैं। विड़लन का मतलब क्या होता है, जो दो कुंडलियां हैं इन दो कुंडलियों के बीच में दूरी ज़्यादा होती है, और जब संपीड़न होता है, जैसे कि संपीड़न यहाँ पर है, तो इसमें क्या होगा कि कुंडलियां जो होती है वो काफ़ी
करीब आ जाती है। तो स्प्रिंग में संपीड़न और विलयन के रूप में तरंग चलती है। तो जब ऐसे जाती है तो इसमें देखा गया कि रेखा छिद्र को यदि हम घुमा भी देते हैं इस प्रकार से, तो रेखा छिद्र पे सारे के सारे कंपन जो हैं वो उधर पहुंचते हैं, यानी कि संपीड़न और विलयन जो यहाँ से निकल रहे थे वही इस वाले रेखा छिद्र से भी निकलते हैं, जो कि इसके लंबवत हो जाता है। जैसे कि मैं इसमें भी आपको बताना चाहूँ, इसमें भी जो होते हैं ये और इस प्रकार से इसमें भी संपीड़न और विलयन जो कि इसमें से पार हो जाते हैं वो इसमें से भी पार हो जाते हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे वो दोनों रेखा छिद्रों में से पार हो जाती है जबकि अनुप्रस्थ तरंगे पार नहीं हो पाती। इस प्रकार आपने देखा कि जो S2 जब S1 के लंबवत हो जाता है, यानी कि S1 जो है और S2 जो है वो आपस में लंबवत जब हो जाते हैं तो S2 जो है वो अनुप्रस्थ कंपनों को तो रोक देता है, जो कि अनुप्रस्थ कंपन मैंने आपको बताए थे कि किस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से जो अनुप्रस्थ कंपन होते हैं, इनको तो वो रोक देता है, परंतु जो इस तरह के कंपन हैं जो अनुदैर्ध्य कंपन होते हैं उनको वो नहीं जो है इनको रोक देता, परंतु इन अनुदैर्ध्य कंपनों को वो नहीं रोक पाता। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं और अनुदैर्ध्य भी हो सकती हैं, और इसमें प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ है या फिर अनुदैर्ध्य तरंग है, इसके लिए एक टूरमैलिन के क्रिस्टल का प्रयोग किया गया। टूरमैलिन क्रिस्टल को से है कोई प्रकाश जो है वो गुजारा गया और उसके अनुदैर्ध्य उसके अनुप्रस्थ कंपनों को देखा गया। ठीक है, तो वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ये समझाना कि कैसी अनुप्रस्थ प्रकृति क्या होती है और किस प्रकार से हमें ध्रुवण का अनुभव होता है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टूरमैलिन से जो प्रकाश गुजारा जाएगा, टूरमैलिन एक प्रकार का क्रिस्टल है, क्रिस्टल से जब प्रकाश गुजारा जाएगा तो प्रकाश क्योंकि अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है तो वो वहाँ साबित होगा कि किस प्रकार से प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ प्रकृति का है और टूरमैलिन क्रिस्टल किस प्रकार से उसके अनुप्रस्थ कंपनों को रोक देगा और बाकी कंपनों को आगे गुजार देगा, जिससे कि चश्मों में कई प्रकार के जो है जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें पोलराइड्स वगैरह का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें आंखों में चोंद वगैरह नहीं लगते। तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे अपने। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझें क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। तो होप यू एन्जॉयड द वीडियो। यदि आपने इस वीडियो को एन्जॉयड किया है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। साथ में सब्सक्राइब के साथ में आप ऑल आइकन का बटन भी आप जरूर दबाएं, क्योंकि वो दबाने के बाद आपको हमारे जितने भी सारे वीडियो आएंगे वो उसके सारे नोटिफिकेशन आप पर लगातार पहुंचते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इसके बारे में आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।